हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री वर्किंग एट गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो अपन जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे और आज अंतिम लेक्चर में जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में देना चाहूँगा। इस लेक्चर में मैं सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बारे में बात करना चाहूँगा कि इटली और जर्मनी यूनिफिकेशन दोनों के बीच में क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है, क्योंकि दोनों की यूनिफिकेशन का पैटर्न लगभग एक ही है। प्रशिया है वो अधिक ताकतवर राज्य था, उसको विदेशी सहयोग की कम आवश्यकता थी, फिर भी वो विदेशी सहयोग हासिल करने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ इटली के अंदर कवूर था, कवूर को विदेशी सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता थी क्योंकि इटली एक कमज़ोर राष्ट्र था। तो अपन देखेंगे कि आज के समय में इटली और जर्मन यूनिफिकेशन के दोनों टॉपिक्स में क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी यानी समानता। इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन समानता, पहली समानता क्या है? रोल ऑफ नेपोलियन। क्योंकि दोनों के अगर अपन बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो नेपोलियन का योगदान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है दोनों के यूनिफिकेशन में। आपको पता है किस प्रकार से नेपोलियन ने बैकग्राउंड क्रिएट किया था, जैसे जो जर्मनी के जो 300 छोटे छोटे राज्य थे उनको तब्दील करके 39 राज्यों का एक कॉन्फेडरेशन बना रहा नेपोलियन ने, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। नेपोलियन का रोल दोनों के केस में है। फिर इसके बाद है वियना ऑर्डर। वियना ऑर्डर है नेपोलियन के अंत के पश्चात जो वियना की संधि हुई, मेटनिक के द्वारा उस संधि को लागू किया गया और उस संधि का असर दोनों के ऊपर रहा है, जर्मनी के अंदर और इटली के अंदर। तो संधि के माध्यम से नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्यों को रिवर्स करने की कोशिश की, पलट करने की कोशिश की इटली और जर्मनी दोनों के क्षेत्रों के अंदर। फिर अपन बात करते हैं और कौन सी समानता है। कॉमन एनिमी। इटली और प्रशिया यानी पीडमोन सार्डिनिया और प्रशिया, अपन यहाँ पे इटली और जर्मनी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका निर्माण यूनिफिकेशन होने के पश्चात हुआ है। तो यूनिफिकेशन होने से पहले सबसे ताकतवर राज्य था इटली के क्षेत्र में, वो था पीडमोन सार्डिनिया, और जर्मनी के क्षेत्र में सबसे ताकतवर राज्य था प्रशिया। तो यहाँ पे अपन पीडमोन सार्डिनिया और प्रशिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन दोनों राज्यों का, पीडमोन सार्डिनिया प्रशिया का कॉमन एनिमी एक शत्रु था, वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया वॉज द कॉमन एनिमी फॉर बोथ। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं रोल ऑफ वन बिगर स्टेट। अब दोनों जगह पे जो यूनिफिकेशन हुआ उसमें एक चीज़ कॉमन है कि दोनों क्षेत्रों में एक एक ताकतवर राज्य के नेतृत्व में एकीकरण की लड़ाई जीती गई। इटली के क्षेत्र में पीडमोन सार्डिनिया हो गया और जर्मनी के क्षेत्र में प्रशिया हो गया। फिर इसके बाद अपन आगे सिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं। रोल ऑफ मिनिस्टर। इनके जो मिनिस्टर थे, इनके जो चांसलर थे, उनका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। जैसे इटली के केस में पीडमोन सार्डिनिया के केस में कवूर का और प्रशिया के केस में बिस्मार्क का, यानी रोल ऑफ मिनिस्टर दोनों केस में महत्वपूर्ण रहा। फिर इसके बाद अपन आगे बात करते हैं सिमिलैरिटी के बारे में। डिप्लोमेसी यूज। डिप्लोमेसी का क्या मतलब है? कूटनीति का इस्तेमाल दोनों ने किया। कवूर ने भी कूटनीति का सहारा लिया, किस प्रकार से उसने ब्रिटेन और फ्रांस को अपने पक्ष में किया, उसी प्रकार से बिस्मार्क ने भी कूटनीति का सहारा लिया कि किस प्रकार से बिस्मार्क ने रशिया का सहयोग प्राप्त किया, ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त किया, फ्रांस का सहयोग प्राप्त किया और उसने तो ऑस्ट्रिया का भी सहयोग प्राप्त कर लिया एक समय के लिए बिस्मार्क ने, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। फिर अगली कॉमन चीज़ें इनके बीच में यूज ऑफ वॉर। युद्धों का सहारा लेके एकीकरण हुआ, बिना युद्ध के एकीकरण करना संभव ही नहीं था। ना तो पीडमोन सार्डिनिया के द्वारा इटली का एकीकरण संभव था, ना प्रशिया के द्वारा जर्मनी का एकीकरण संभव था बिना युद्ध के। युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराना आवश्यक था, इसके लिए युद्ध आवश्यक था। फिर नेशनलिज्म का रोल, राष्ट्रवाद का जो योगदान है दोनों के केस में रहा है, समानता है राष्ट्रवाद के योगदान के बारे में। फिर अगली समानता क्या है? ऑल प्रोसेस साइमल्टेनियसली स्टार्टेड एंड एंडेड। जो पूरी प्रक्रिया है एकीकरण की इटली और जर्मनी की, वो एक साथ शुरू हुई और लगभग एक साथ ही आगे बढ़ी। तो सिमिलर टाइमलाइन है दोनों की, ठीक है। बोथ द प्रोसेसेस स्टार्टेड एट द सेम टाइम एंड एंडेड एट द सेम टाइम। 1848 से लेकर 1870, ये टाइमलाइन है इटली के एकीकरण की और जर्मनी के एकीकरण की भी। अब अपन डिससिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं। डिससिमिलैरिटी का मतलब है असमानता है। सबसे पहली असमानता क्या है? रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल यूनिफिकेशन। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं बौद्धिक एकता। बौद्धिक एकता कहाँ पे अधिक थी और कहाँ पे कम थी, तो ये थोड़ी सी असमानता हो जाएगी। इटली के केस में बौद्धिक एकता, एक प्रकार का बौद्धिक आंदोलन भी चला था इटली के ना पीडमोन सार्डिनिया के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे माजिनी
और जो माजिनी का यंग इटली मूवमेंट था, यंग इटली मूवमेंट था, इसके द्वारा उन्होंने बौद्धिक चेतना फैलाने की कोशिश की। तो इस प्रकार का बौद्धिक आंदोलन कोई प्रशिया या जर्मनी के क्षेत्रों में नहीं हुआ था, केवल इटली के क्षेत्रों में हुआ था। अवेकनिंग वॉज एक्सटेंसिव, तो बौद्धिक जो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग है यहाँ पे उसको इंश्योर किया गया। और तभी हम देखते हैं कि इटली के केस में जो प्लेबिसाइड है, क्योंकि अवेकनिंग हुई थी यानी लोग जागरूक हुए थे बौद्धिक आंदोलन के कारण, यंग इटली आंदोलन के कारण, इसलिए जो बाद में प्लेबिसाइड रखा गया इटली के केस में, प्लेबिसाइड का मतलब है जनमत संग्रह, कि किसी क्षेत्र में प्लेबिसाइड कराया जाता है कि किस राज्य में शामिल होना चाहते हैं लोग, फिर वोट करते हैं। तो जो जनमत संग्रह इसलिए इटली के केस में कामयाब हो पाया। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है जैसे परमा PMT, परमा मॉडेना और टस्कनी, इनको पीडमोंट सार्डिनिया के अंदर मिलाया गया। एंड नेपल्स एंड सिसली सपोर्टेड इटालियन मोनार्क वाया प्लेबिसाइट। तो कहने का मतलब है PMT परमा मॉडेना टस्कनी को प्लेबिसाइट के माध्यम से पीडमोंट सार्डिनिया के अंदर मिलाया गया। तो अपन ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया इसका। फिर अपन दूसरा बात करते हैं, जर्मनी की स्थिति अलग थी, जर्मनी में कोई बौद्धिक आंदोलन नहीं हुआ एकीकरण के पक्ष में। तो वहाँ पे इन जर्मनी नेशनलिज्म वाज लिमिटेड टू टाउन्स एंड सिटीज, इसका मतलब क्या है, जो राष्ट्रवाद था वो कहाँ तक सीमित था, केवल शहरों पे, बड़े बड़े शहर और कस्बों तक ही सीमित था, गाँवों तक राष्ट्रवाद नहीं पहुँच पाया था जर्मनी के केस में। तो इन जर्मनी इट वॉज लार्जली एन अर्बन फिनोमिना, जर्मनी में यह केवल एक शहरी क्रांति तक ही सीमित रहा, यानी एक शहरी क्षेत्र तक ही राष्ट्रवाद का प्रभाव रहा जर्मनी में, जबकि इटली में गांव गांव तक राष्ट्रवाद पहुंच चुका था। क्यों? क्योंकि यंग इटली आंदोलन के माध्यम से, माजिनी का जो यंग इटली आंदोलन था, तो इसलिए कहा जा सकता है कि जर्मनी में बौद्धिक एकता या फिर बौद्धिक आंदोलन हमें देखने को नहीं मिलता। फिर अपन आगे बात करते हैं फॉरेन डोमिनेशन। अब इसके बीच में डिफरेंसेस आएगा कि विदेशी प्रभुत्व, सबसे पहले अपन बात करते हैं इटली के बारे में। तो जो विदेशी प्रभुत्व ऑस्ट्रिया का इटली के ऊपर था वो बहुत बड़ी चुनौती थी इटली के लिए, ठीक है, क्योंकि इटली एक कमज़ोर राष्ट्र था, इटली के पास शक्तिशाली सेना नहीं थी, इसलिए उसको विदेशी सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता थी। दूसरी तरफ अपन प्रशिया के बारे में बात करते हैं, नॉट एज ऑस्ट्रिया वॉज जर्मन कंट्री, क्योंकि जो विदेशी प्रभुत्व की जो समस्या है वो प्रशिया के ऊपर इतनी अधिक नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी खूब सारे जर्मन लोग रहा करते थे, ऑस्ट्रिया में मल्टी एथनिक लोग रहा करते थे, यानी कई सारे नस्ल के लोग रहा करते थे उसमें, ऑस्ट्रिया में जर्मन लोग भी अच्छे खासे थे। तो ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व अधिक प्रशिया के ऊपर नहीं रहा, लेकिन पीडमोंट सार्डिनिया और जो दूसरे राज्य उनके ऊपर ऑस्ट्रिया का बहुत अधिक प्रभुत्व रहा, यानी विदेशी प्रभुत्व की जो मुख्य समस्या है वो इटली के लिए थी, प्रशिया के लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। अब पोप के बारे में बात करते हैं, पोप की समस्या इटली के अंदर अधिक थी, ही वॉज एन ऑब्स्टेकल इन इटली ओनली पोप, क्योंकि रोम के अंदर पोप का निवास था और वहाँ पे फ्रांस ने अपनी सेना रख रखी थी, और पूरे के पूरे इटली के ऊपर पोप का धार्मिक प्रभाव था, यानी पोप की, अगर पोप की सत्ता को हटाना है तो फ्रांस की सेना वहाँ से हटानी पड़ेगी, उसके पश्चात ही रोम इटली में मिल सकता है, और पोप भी एक समस्या बना हुआ था इटली के लिए। लेकिन पोप की प्रशिया में कोई समस्या नहीं थी, पोप की जर्मनी में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जिस जगह पे वो रहता था पोप, वो रोम था, और रोम को इटली में मिलाना आवश्यक था। फिर फॉरेन एड नीड, यानी विदेशी सहयोग की किसको आवश्यकता थी, जैसा कि अपन बार बार कह चुके हैं इटली को विदेशी सहयोग की आवश्यकता थी, प्रशिया को इतनी बुरी तरीके से आवश्यकता नहीं थी विदेशी सहयोग की, नॉट एज बिस्मार्क नीडेड न्यूट्रलिटी ओनली, बिस्मार्क को केवल तटस्थता की आवश्यकता थी कि हम ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, ब्रिटेन तटस्थ रहे, रशिया तटस्थ रहे, ऑस्ट्रिया को हम खुद हरा देंगे, लेकिन ऑस्ट्रिया को तब नहीं हरा पाएंगे जब रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस ऑस्ट्रिया की मदद के लिए आ जाएंगे, तब हम उसको नहीं हरा सकते। अगर ऑस्ट्रिया प्रशिया के बीच में युद्ध हो तो बिस्मार्क आसानी से ऑस्ट्रिया को हरा सकता है, लेकिन इटली के केस में ऐसा नहीं था, इटली खुद से कभी भी ऑस्ट्रिया को नहीं हरा सकता था, तो इटली को एक्टिव मिलिट्री हेल्प की आवश्यकता थी। अब अपन आगे बात करते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म, यानी उग्र राष्ट्रवाद, तो उग्र राष्ट्रवाद के लक्षण हमें इटली में नहीं देखने को मिलते हैं, इट वॉज एबसेंट इन इटली मिलिटेंट नेशनलिज्म। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद देखने को मिला है बिस्मार्क के नेतृत्व में, और आगे चल के जर्मनी में हम देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद बहुत अधिक फैला है, और आगे चल के आपको पता है हिटलर का भी उदय हुआ है जर्मनी के अंदर, तो वो भी उग्र राष्ट्रवाद का ही परिणाम था। फिर अपन बात करते हैं राजा के रूल की, किंग रूल। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं इटली में जो राजा का रोल था, विक्टर इमैन्युअल जो इटली का राजा था उसका बहुत एक्टिव रोल था इटली के यूनिफिकेशन में,
एक्टिव रोल का मतलब यह है कि उसने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इटली के जो एकीकरण है उसकी पूरी प्रक्रिया में। ही सपोर्टेड एंड स्टॉप्ड कावूर फ्रॉम स्टेज। एक्टिव रोल का क्या मतलब है, यानी जो विक्टर इमैनुअल जो राजा था इटली का, उसने समय रहते कावूर को रोका भी कुछ कार्रवाई करने से और कावूर को सहयोग भी दिया, यानी एक महत्वपूर्ण रोल था इटली के राजा का। कावूर को गलती करने से भी रोका उसने, जिसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। जैसे और एक्टिव रोल कैसे है राजा का इटली में, कावूर डाइड इन 1861, कावूर की मृत्यु हो जाती है 1861 में। तो उसके बाद जो वेनेशिया और रोम जिसको इटली में मिलाया गया है, वेनेशिया को 1866 में मिलाया गया है और रोम को 1870 में मिलाया गया है, यह कार्य इटली के राजा के द्वारा ही किया गया। ये कावूर की मृत्यु पहले ही हो गई, तो राजा के यहाँ पे अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल है। फिर इसके बाद है किंग अंडरस्टैंडिंग विद बिस्मार्क। तो जो राजा था, राजा का एक्टिव रोल कैसा रहा, क्योंकि कावूर की मृत्यु के पश्चात राजा ने बिस्मार्क के साथ एक समझौता किया। उस समझौते के तहत बिस्मार्क को ऑस्ट्रिया पे दक्षिण से अटैक करना था, यानी प्रशिया ऑस्ट्रिया पे अटैक करेगा दक्षिण की साइड से जब भी युद्ध होगा। और जब इटली का सामना हुआ ऑस्ट्रिया के साथ, तो ऑस्ट्रिया ने इटली को लगभग हरा दिया था। नेपल्स के अंदर जब युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और इटली का, तो इटली लगभग हार चुका था, लेकिन उसी समय में प्रशिया ने दक्षिण से अटैक कर दिया ऑस्ट्रिया के ऊपर, सडोवा का जिसको युद्ध कहा जाता है, तो इसलिए ऑस्ट्रिया की हार हो गई। यानी अगर समय पर प्रशिया का सहयोग नहीं मिलता इटली को, तो इटली ऑस्ट्रिया को नहीं हरा पाता। और फिर अपन जर्मनी में बात करते हैं कि राजा का क्या योगदान रहा। हिज रोल वॉज वेरी पैसिव। पैसिव का मतलब है कि कोई सीधा योगदान नहीं रहा जर्मनी के राजा का, यहाँ पे एक सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था, द्वितीयक योगदान था इसका केवल यहाँ के राजा का, जो विलियम फर्स्ट नाम था जर्मनी में। और यहाँ पे बिस्मार्क चांसलर अधिक शक्तिशाली था। बिस्मार्क करेक्टेड इन माफ, यहाँ पे उल्टा हुआ, वहाँ पर इटली के राजा ने कावूर को, कावूर की गलतियों को ठीक किया, लेकिन यहाँ पे राजा की गलतियों को बिस्मार्क ने ठीक किया। फिर अपन आगे बात करते हैं लीडर्स, लीडर्स के बारे में, यानी नेतृत्व किस प्रकार का था। इटली में मल्टीपल लीडरशिप थी, अनेक प्रकार का नेतृत्व हमें देखने को मिला इटली में। माजिनी हो गया, गारिबाल्डी हो गया, कावूर हो गया और वहाँ का राजा हो गया। चारों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से इटली के यूनिफिकेशन में योगदान दिया। लेकिन जर्मनी में केवल एक नेता था, इट वॉज ओनली अ वन मैन फिनोमिना जर्मनी में। बिस्मार्क वॉज ऑल अलोन इन फाइटिंग द वॉर ऑफ यूनिफिकेशन, यानी बिस्मार्क ने लगभग अकेले ही प्रशिया या जर्मनी के यूनिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा किया। फिर अपन बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इटली में कोई आर्थिक कारण नहीं थे, यानी कोई आर्थिक एकीकरण नहीं हुआ है और राजनीतिक एकीकरण से पहले इटली में, लेकिन जर्मनी में आर्थिक एकीकरण हुआ। आपको पता है ना जॉलवेरिन नाम की संस्था की स्थापना की गई थी प्रशिया में, जर्मनी के क्षेत्र में, जिसके तहत आर्थिक एकीकरण किया गया पहले, ताकि व्यापार सुगमता से चल सके। तो इस प्रकार कोई भी चीज़ इटली में नहीं की गई है। फिर ब्लड एंड आयरन का रूल, यानी स्ट्रिक्ट नीति जिसको कहते हैं, ब्लड एंड आयरन का लोहो रक्त की नीति कहाँ पे अपनाई गई, इटली के द्वारा नहीं अपनाई गई, ये नीति अपनाई गई बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी के केस में। रोल ऑफ डिप्लोमेसी, कूटनीति का क्या योगदान है। कावूर के लिए अधिक आवश्यकता थी कूटनीति की, क्योंकि कावूर को विदेशी सहायता की आवश्यकता थी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और बिस्मार्क के लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी कूटनीति, बिस्मार्क को केवल तटस्थता की आवश्यकता थी, न्यूट्रैलिटी बाकी देशों की। फिर अपन बात करते हैं रोल ऑफ वॉर्स, यानी युद्ध का क्या योगदान रहा। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज ओनली लोम्बार्डी बाय वॉर। तो जो इटली में युद्ध का अधिक महत्व नहीं था, क्योंकि युद्ध के माध्यम से केवल लोम्बार्डी को इटली में मिलाया गया, युद्ध करने के पश्चात केवल लोम्बार्डी का विलय इटली में हुआ। लेकिन जर्मनी का पूरा यूनिफिकेशन का प्रोसेस, पूरा का पूरा एकीकरण का प्रोसेस, इट वॉज सोली डिपेंडेंट ऑन सक्सेस इन वॉर। यानी प्रशिया का जो भाग्य है केवल युद्ध के द्वारा ही लिखा जाना था। अगर प्रशिया युद्ध जीत जाता है तो प्रशिया का एकीकरण होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपन ये छोटे से डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज अपन ने समानता और असमानता के बारे में बात की है इटली और जर्मन यूनिफिकेशन में। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत